नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप सक्सेना। बुलेटिन का आगाज करते हैं टॉप 24 के साथ। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। परमबीर ने अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोपों की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की है। परमबीर सिंह ने अपील की है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर के सीसीटीवी जांच होनी चाहिए। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने परमबीर के आरोपों को झूठा बताया। शरद पवार ने कहा कि फरवरी में अनिल देशमुख और सचिन वाजे की मुलाकात नहीं हुई थी। शरद पवार ने कहा कि अनिल देशमुख कोरोना के चलते 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे और 16 से 17 फरवरी तक देशमुख घर में क्वारंटीन थे। शरद पवार ने साफ किया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख पर लगे आरोपों में दम नहीं है। शरद पवार ने कहा कि आरोप लगाकर असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश हो रही है। जांच को लेकर सीएम को फैसला करना है। शरद पवार ने कहा कि मुझे नहीं पता परमबीर किसके इशारे में काम कर रहे हैं, मुझे महाराष्ट्र एटीएस की जांच में पूरा भरोसा है। शरद पवार के बयान पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अनिल देशमुख के इस्तीफे पर मचे घमासान को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर सरकार सही जांच के लिए तैयार है तो फिर बार बार इस्तीफे की बात क्यों हो रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। संजय राउत ने कहा कि जब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं तब तक सभी मामलों की जांच सही तरीके से की जाएगी, विपक्षी दल लोगों को गुमराह कर रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी समेत कई सांसदों ने महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पहले आतंकवादी कार में बम लगाते थे लेकिन अब पुलिस ही लगा रही है। असम के धेमाजी की चुनावी रैली में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो अशांति आती है, बीजेपी सरकार में आती है तो विकास आता है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस की नीति है झगड़ा कराओ तोड़ो और राज करो। इन्होंने असमियों बंगालियों के बीच झगड़ा कराया, अपर असम लोअर असम के बीच झगड़ा कराया। अमित शाह ने कहा कि आज असम विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, बीजेपी की नीति है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व जल दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रेन अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता काफी अहम है, वाटर मैनेजमेंट करना बेहद जरूरी है, यही कारण है कि सरकार इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ा रही है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। मानिहाल में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हो गया। मारे गए आतंकी लश्करे मुस्तफा और लश्करे तैयबा से जुड़े हुए थे। आतंकियों के पास AK-47 और 3 पिस्टल बरामद हुई है। कर्नाटक से बीजेपी के विधायक बंसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने दावा किया है कि पार्टी को अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बचाए रखनी है तो येदियुरप्पा को कुर्सी से हटाना ही होगा। बसंगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा कि राज्य में सीएम का बदलाव 100% सुनिश्चित है, वरना इस मुख्यमंत्री के साथ अगला चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोरोना की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टरों की सलाह के बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,951 नए मामले सामने आए हैं और 212 लोगों की मौत हो गई है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।